हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईलीस क्राफ्ट क्रिएचर्स। तो आज मैं दिखाऊंगी कि कैसे एक हल्दी स्पेशल वेडिंग ट्रे बनाया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड्स। तो मेरे पास बड़ा कार्डबोर्ड नहीं था, इसलिए मैंने दो तीन छोटा छोटा कार्डबोर्ड लेके ऐसे ही जोड़ दिया था। तो अगर आपके पास भी अवेलेबल ना हो तो आप मेरे तरह ट्राई कर सकते हैं। और कार्डबोर्ड को जोड़ने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डबल साइडेड टेप। कार्डबोर्ड को जोड़ने के बाद मैं येलो क्राफ्ट पेपर से कार्डबोर्ड को अच्छे से रैप करूँगी ताकि कहीं से भी कार्डबोर्ड ना दिख जाए। धीरे धीरे कार्डबोर्ड को रैप करना है ताकि अच्छे से रैप हो, क्योंकि अगर बेस अच्छा हो जाए ना सब कुछ अच्छा लगता है। तो हमारा रैपिंग कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो हमें चाहिए कुछ कार्डबोर्ड्स और इसको हम ऐसे कट करेंगे एंड देन हम ग्लू से सभी कार्डबोर्ड्स को ऐसे जोड़ेंगे। कार्डबोर्ड को जोड़ने के बाद हम पहले की तरह येलो क्राफ्ट पेपर से कार्डबोर्ड को रैप करेंगे। देन हम छोटे वाले कार्डबोर्ड को बड़े वाले कार्डबोर्ड के साइड पे ग्लू से चिपकाएंगे। अगर आपके पास ग्लू गन हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो दोनों है तो इसलिए मैं लिक्विड ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो इसके बाद हमें चाहिए एक और कार्डबोर्ड एंड इसके ऊपर हम लिखेंगे हल्दी का 5 अल्फ़ाबेट। हल्दी लिखने के बाद हम पेपर कटर से अल्फाबेट्स को कट करेंगे। कटिंग के बाद ये रहा हमारा 5 अल्फाबेट्स एंड अभी हम इन 5 को येलो क्राफ्ट पेपर से रैप करेंगे। फिर हम 5 अल्फाबेट्स को स्केच पेन की हेल्प से साइड वाले पार्ट को हाईलाइट करेंगे ताकि वो दूर से भी अच्छा लगे। तो हमारा 5 अल्फाबेट्स रेडी है एंड अभी हम इसको लगाएंगे। तो अगर आपके पास ग्लू गन हो तो आप ज़रूर उसको यूज़ करें, क्योंकि ग्लू गन से बहुत ईजी होता है। नॉर्मल ग्लू से भी ईजी होता है बट ग्लू गन से ज़्यादा ईजी होता है। इसके लिए हमें ग्लू को नीचे वाले पार्ट में लगाना है, उसको डायरेक्ट चिपकाना है। अल्फाबेट्स को लगाने के बाद हम पीछे से कार्डबोर्ड लगाएंगे ताकि अल्फाबेट्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड उसके ऊपर हम क्राफ्ट पेपर लगाएंगे ताकि कार्डबोर्ड छुप जाए। देन हम इसको डेकोरेट करेंगे अपने हिसाब से। तो डेकोरेशन के लिए मैंने पहले लिया है गोल्डन रिबन एंड देन मैंने लिया है आर्टिफिशियल फ्लावर्स। हल्दी है इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ येलो कलर में ही ले रही हूँ। एक्चुअली मेरे क्लाइंट ने बोला था कि पूरा येलो में करने के लिए, तो मैं उनके हिसाब से कर रही थी। फिर मुझे लगा कि अगर मैं पूरा येलो में करूँ तो उतना भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने उनसे पूछ के फिर नया कलर ऐड किया है। आप लोग अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। और साइड वाले पार्ट का डेकोरेशन तो ख़त्म हो गया है, अभी मुझे करना है बीच वाले पार्ट का डेकोरेशन। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कटोरा और मैं बीच में रख रही हूँ और अभी मैं उसके सामने डेकोरेट करूँगी।
तो डेकोरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो वीडियो ख़त्म होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलें। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक, एंड प्लीज़ बताइए कैसा हुआ, एंड आप खुद भी ट्राई करिए। आहिलीज क्राफ्ट एंड क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो करिए, एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।